खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस, मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस, इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस, इस मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइस, काफ़ी कुछ। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी। और गाइस, इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का, वो दिया है साइविन क्वाड्राश ने। और गाइस, जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर, वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस, इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस, इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस, इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने। और गाइस, इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस, इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस, इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज। और गाइस, इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस, ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को। और गाइस, मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का। और गाइस, ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस, इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस, बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस, आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। और गाइस, जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने, तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस, मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुँचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करें। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइस, नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है, ये सब गाइस अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस, इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस, जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल। तो गाइस, जो दूसरा सॉन्ग है वो है आँखें मिलाएंगे डर से। और गाइस, जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क। और गाइस, जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस, आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस, इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस, आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस, इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस, आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस, मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस, मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्राश ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है, और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुँचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करें। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइस नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है ये सब गाइस अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क, और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्राश ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है, और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुँचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करें। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैनम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइस नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है, ये सब गाइस अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क, और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्रास ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे मूवी ने जो कमाई की है वो की है गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है, और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से, 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुंचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है।
उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करें। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइज नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क, और गाइज जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइज आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्राश ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है, और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुँचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करें। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइज नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क,
और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्रास ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है, और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुँचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करे। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैनम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइज नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क, और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्राश ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे मूवी ने जो कमाई की है वो किया गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है, और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुंचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करें। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइस नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है ये सब गाइस अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आँखें मिलाएंगे डर से, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क, और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्राश ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो किया गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुँचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करें। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइस नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है ये सब गाइस अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल। तो गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से। और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क। और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है। और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी। और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्रास ने। और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो किया गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुंचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है।
उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करे। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइज नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क, और गाइज जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइज आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्राश ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे मूवी ने जो कमाई की है वो किया गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है, और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुंचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करे। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइज नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क,
और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्रास ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है, और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुँचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करें। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइस नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है ये सब गाइस अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क, और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है,
और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्राश ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है, और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुँचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करे। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइज नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आँखें मिलाएंगे डर से, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क, और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्राश ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो किया गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुँचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करें। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइस नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है ये सब गाइस अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल। तो गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से। और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क। और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है। और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी। और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्राश ने। और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो किया गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुंचती हैं। उनकी माँ रामा
एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करें। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइज नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क, और गाइज जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइज आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्राश ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है, और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुँचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करें। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइज नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क, और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्राश ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है, और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुँचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करें। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइस नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है ये सब गाइस अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क, और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्राश ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है, और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की निर्जा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुँचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में निर्जा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि निर्जा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। निर्जा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान निर्जा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि निर्जा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करें। निर्जा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइस निर्जा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है ये सब गाइस अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क, और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे निर्जा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्राश ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो किया गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुँचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करे। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइज नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल। तो गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से। और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क। और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्राश ने और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे मूवी ने जो कमाई की है वो किया गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुंचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है।
उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करें। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइज नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क, और गाइज जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइज आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्राश ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है, और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुँचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करें। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइज नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क,
और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफी अच्छे सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्राश ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है, और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुँचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करे। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैनम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइस नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है ये सब गाइस अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क, और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफी अच्छे सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्रास ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे मूवी ने जो कमाई की है वो किया गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है, और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहां से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुंचती हैं। उनकी मां रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करें। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइस नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है ये सब गाइस अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आँखें मिलाएंगे डर से, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क, और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्रास ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो किया गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुँचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करें। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइस नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है ये सब गाइस अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल। तो गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से। और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क। और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है। और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी। और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्राश ने। और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो किया गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुंचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है।
उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करे। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैनम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइज नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क, और गाइज जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइज आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्राश ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे मूवी ने जो कमाई की है वो किया गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है, और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुंचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करे। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैनम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइज नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क,
और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्रास ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है, और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुँचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करें। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइस नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है ये सब गाइस अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आँखें मिलाएंगे डर से, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क, और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्राश ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है, और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुँचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करे। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइज नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आँखें मिलाएंगे डर से, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क, और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्राश ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो किया गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुँचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करें। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइस नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है ये सब गाइस अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल। तो गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है किसने लिखा है और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्रास ने और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो किया गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुंचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है।
उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करें। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैनम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइज, नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क, और गाइज जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइज आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइज इस मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल थंडर रिव्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्राश ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो किया गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है, और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुँचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करें। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैनम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइज नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है, ये सब गाइज अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइज जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से, और गाइज जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क,
और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफी अच्छे सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नीरजा मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। तो गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने लिखा है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन कौन है, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं राम माधवानी, और गाइस इस मूवी को जो लिखा गया है और स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो दिया है इस मूवी का वो दिया है साइविन क्वाड्राश ने, और गाइस जो डायलॉग्स दिए हैं इस मूवी के अंदर वो दिए हैं संयुक्ता चावला शेख ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं अतुल कशबेकर और शांति शिवराम मैनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी सोनम कपूर। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है मितेश मीरचंदानी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है मनीषा आर बल्दावा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है विशाल खुराना के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है बिलिंग अनप्लग्ड और फॉक्स स्टार स्टूडियोज, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉक्स स्टार स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 19 फरवरी 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 121 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का, और गाइस बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने काफी अच्छी खासी धूम मचाई है। बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी ने जो कमाई की है वो की है गाइस 135.52 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इसे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है, और गाइस जब इतनी अच्छी खासी कमाई की है मूवी ने तो मूवी की स्टोरी काफी अच्छी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। 22 साल की नीरजा भटौना एक शाम एक हाउस पार्टी के लिए देरी से पहुँचती हैं। उनकी माँ रामा एक फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नीरजा की नौकरी के बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और सुझाव देती हैं कि नीरजा को अपने पुराने मॉडलिंग करियर में वापस लौटना चाहिए। नीरजा अपनी नौकरी रखने पर जोर देती है। उसे उसका दोस्त जयदीप एयरपोर्ट ले जाता है। उड़ान के दौरान नीरजा दोहा कतर में एक पेशेवर नरेश के साथ अपने संक्षिप्त दुखी व्यवस्थित विवाह को दर्शाती है, जिसने उसके छोटे दहेज और घरेलू काम करने में असमर्थता पर उसे गाली दी थी। वह अंततः एक मॉडलिंग अनुभव के लिए घर लौट आई। नरेश ने अपने माता पिता को दहेज और उनकी बेटी के घरेलू कौशल की कमी के बारे में शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा, जिसमें मांग की गई कि नीरजा या तो पैसे वापस लाए या इसे बिल्कुल वापस न करें। नीरजा ने नरेश को छोड़ दिया और पैन एम एयरवेज में नौकरी कर ली। तो गाइस नीरजा एयरवेज में नौकरी करने के बाद क्या करती है ये सब गाइस अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 4 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस जिसमें कि पहला सॉन्ग है जीते हैं चल, तो गाइस जो दूसरा सॉन्ग है वो है आंखें मिलाएंगे डर से, और गाइस जो तीसरा सॉन्ग है इस मूवी का वो है गहरा इश्क, और गाइस जो चौथा और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का वो है ऐसा क्यों माँ। तो गाइस आप मूवी के सॉन्ग सुनिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.6 की रेटिंग। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है। तो गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफी अच्छे सॉन्ग्स है इस मूवी के। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।